क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बोल रहे हैं कि जो आपका वर्क डन है, आपको गिवन था वर्क डन, बोले वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस, समानुपाती। तो आपको वर्क और डिस्टेंस के कुछ वेरिएबल मांगना पड़ेगा, कुछ चर मांगना पड़ेगा। कार्य के लिए हमने मान लिया एक्स, ठीक है, हमने मान लिया कि वर्क जो है, कार्य जो है, वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं होता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमने कुछ मान लिया कितना है, वन, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल की इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, एक अचर राशि आती है, कॉन्स्टेंट आता है। वो कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, वो कांस्टेंट फोर्स है, बल है आपका, ठीक है। अब आपको जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए बोल रहे हैं कि जो आपने जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल्स टू का साइन आ गया, ये वर्क है, वर्क एक्स है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है भाई, और फोर्स आपको दिया हुआ है कितना, बोल रहे हैं कि फोर्स कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। कॉन्स्टेंट फोर्स है आपका, अचर है, 5 यूनिट आपको बोल दिया कि 5 यूनिट है। तो आप क्या करोगे, फोर्स की वैल्यू पुट करोगे, इधर आपने वेरिएबल माना था वर्क के लिए एक्स और डिस्टेंस के लिए वाई, ये आपने पुट कर दिया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, देखिए 1 पावर है विद 2 वेरिएबल। फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें सी जीरो होता है ना, ये जो सी है कांस्टेंट है वो जीरो है, तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। हमने हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में इस तरह की इक्वेशन दी थी, उसके ग्राफ बनाए थे, उसमें देखा था जिस भी इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म जीरो होती है उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है, जीरो जीरो से पास करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये इक्वेशन बनाने के बाद इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ के लिए कम से कम 2 निर्देशांक 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है आपको, तो हम 2 कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं, पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। वाई की वैल्यू हमने 1 पुट करी, 1 × 5 कितना होता है, 5 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। -1 पुट किया, -1 × पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, और 5 × 5। तो ये आपके एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, और फिर इसके थ्रू हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ के लिए हमें कुछ पैमाना चाहिए होता है, कुछ रेशियो, इसको स्केल बोलते हैं। स्केल हम क्या लेके चल रहे हैं, स्केल हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि हम इस स्केल पे हमारे रूलर पे बनाएंगे, तो क्या पहले तो 2 लाइनें तो बनानी पड़ेगी, एक्स वाई प्लेन होता है ये, तो एक्स वाई लाइनें तो आपको बनानी पड़ेगी। इधर नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन कहलाता है। दोनों एक्स भी जीरो होता है, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, दोनों जीरो होते हैं जहाँ पे दोनों लाइनें कट होती है। एक्स वाली लाइन, इसको एक्स बोलते हैं, ओरिजिनल लाइन को क्षैतिज, वर्टिकल को वाई लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, अक्ष एक्सिस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये डिवीजन कहलाते हैं, एकक कहलाते हैं। हर एक डिवीजन के लिए हमने क्या किया, हमने इस रूलर पे 2-2 सेंटीमीटर की लाइनें, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर पे मैंने कट करा है, ऐसे इसमें भी 2-2 सेंटीमीटर, जीरो से लेके यहाँ तक की जो 1 की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर, बनाया तो 2 सेंटीमीटर लेकिन लिखा था उसको 1 यूनिट, यहाँ स्केल पे तो 2 सेंटीमीटर की लाइन बनी लेकिन लिखा उसको कितना, 1। फिर उसके बाद ये पॉइंट लोकेट किए, जब वाई वन है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 5 है, ये पहला कोऑर्डिनेट है। जब आपकी y की वैल्यू बने तो x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये हमने लोकेट कर दिया। दूसरा पॉइंट, जब y -1 है तो x कितना है, माइनस का 5, ये दोनों पॉइंट लोकेट कर दिए, ग्राफ बना। इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया क्योंकि हमें आगे कुछ और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हमें रीड करना है। क्या रीड करना है, वो कह रहा है अगर डिस्टेंस
y 2 यूनिट हो तो वर्क कितना होगा, रीड करो इस ग्राफ के थ्रू। आप चाहो तो इसको फाइंड भी कर सकते हो इक्वेशन की हेल्प से। 2 इंटू 5 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब आपको रीड करना सिखा देते हैं, ये तो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर लिया आपने। कैसे फाइंड किया भाई, y की वैल्यू पुट करी अपने इक्वेशन के अंदर 5 इंटू 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 10 यूनिट। ठीक है, अब इससे कैसे रीड करना है आपको, देखो कैसे रीड करेंगे, ग्राफ को एक्सटेंड कर दिए है ना। अब जो आपकी वैल्यू गिवन है ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव y, तो x की वैल्यू भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। क्यों मिल रही है पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्राफ इधर इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस तरफ है ही नहीं, नेगेटिव साइड में आपके है ही नहीं है ना, तो ये तो नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि जब ये नेगेटिव है x, तो इधर y भी नेगेटिव है, तो ये y नेगेटिव की तरह आपको x नेगेटिव मिल रहा है। इधर y पॉजिटिव है और x भी इस वाले क्वेश्चन में आपको x भी पॉजिटिव मिल रहा है। आपने एक्सटेंड करी तो आप देख रहे होंगे स्केल की हेल्प से कि ये 2 के सामने, ये जो पॉइंट आ रहा है ना आपने, ये 2 के सामने, ये देखो बिल्कुल 2 के सामने आ रहा है वाला पॉइंट। अब ये x का जो डिवीजन है ये किस डिवीजन के सामने आ रहा है वाला पॉइंट, y पे तो 2 के सामने आ रहा है वाला पॉइंट, x पे देखा तो x पे 10 के सामने आ रहा था। किसके सामने आ रहा था, 10 के सामने आ रहा था, जो 2 वैल्यू है ना y की, जब तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा था 2 वैल्यू के सामने, वो x एक्सिस पे कौन से डिवीजन के सामने मिल रहा है, 10 के सामने। तो आपकी वर्क की वैल्यू कितनी होगी, 10 यूनिट होगी। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन है वो फाइंड करना है, जब आपका वर्क कितना हो, 0 यूनिट हो, भाई कुछ है ही नहीं, तो x कितना हो जाएगा। तो इसमें पुट करके अगर निकाले हम इक्वेशन की हेल्प से निकाले तो आपको रिजल्ट मिलेगा कितना, 0 यूनिट। अब ग्राफ की हेल्प से बता देते हैं, ये भी 0 है, कौन y, डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस 0 है, कहाँ 0 है भाई, y 0 किस पर होता है, x एक्सिस पर, यहाँ पूरी एक्सिस पर y 0 है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y 0 है तो x भी कितना है आपका, यहाँ देखो ये स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ y 0 है और x की वैल्यू मिल रही हो, सिर्फ एक ही एक पॉइंट है जहाँ y 0 और x भी 0 आ रहा है, वो है ये, यहाँ से ये लाइन पास कर दी है। अब आप देख रहे हो कि हाँ सब जगह पे y 0 चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से टच होते हुए कहीं पे भी नहीं जा रही है, ओनली कहाँ से टच होते हुए जा रही है, जहाँ x भी 0 है, जहाँ x भी 0 है। अगर ये कहीं और टच होती ना तो कुछ और वैल्यू निकल जाती है x की, बट अभी इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ y 0 है वहाँ पे आपको ये लाइन x 0 पे भी टच होते हुए जा रही है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके, 0 यूनिट आ गई। इस तरह से आपको रीड करना है ग्राफ की हेल्प से, और ये तो इक्वेशन की हेल्प से। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में आप बना तो देना उसको एक्सटेंड करके, बाई चांस आपको रीड करना नहीं आ पा रहा है, आप क्या करिएगा इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिएगा किसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, तो वर्क की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों तरीके से आपको सिखा दिया, विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ और ये विद दी हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इन दिस वे हमने इस क्वेश्चन को इजी वे में बिल्कुल सॉल्व कर लिया। ठीक है, थैंक यू।